अरे देवी देवता है तो एकादुगो से हमरो भेंट कराइए ना, हाय अगर तो हमरो भेंट करा दीजिए ना एकादुगो से कि कुछ सवाल जवाब होए देवी देवता से। देवी देवता के बारे में लोग कहता है कितने बेटा है आपके पास, तो कहेगा भोला बाबा के कृपा से 5 गो बेटा है। अब पांचों बेटा क्या करता है, तो भोला बाबा के कृपा से 5ों के नौकरी है। आ जमीन कितना है आपके पास, तो हनुमान जी के कृपा से 25 बीघा है। आ गाय भैंसी कै गो है, तो राम जी के कृपा से 5 गो भैंसी है, 5 गो गाय है। तो भगवान सब तो बड़े धनी है, लोग को बेटा देते हैं, बेटी देते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं, नौकरी देते हैं, बड़ा धनी है, तो भगवान के लिए भीख क्यों मांगते हैं। सरस्वती पूजा आया है तो भीख मांगा गया है, दुर्गा पूजा आएगा तो भीख मांगा जाएगा, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए भीख मांगा जाएगा। साहब कबीर कहे जहां के देवता बने भिखारी, जहां के देवता बने भिखारी, अब मुर्दा के लागे भोग, आ कहे कबीर विचार के देखो ये कैसे छुटी है रोग। पूरे दुनिया में मॉरल आदमी के भोग लग रहा है, एक कबीरपंथी मात्र जिंदा को भोग लगाता है, आसन लगाएगा, गुरु महाराज को बैठाएगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा गुरु महाराज अब भोग लगाइए। पूरे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मरलहवा के भोग लगा रहा है, जितना मर गया उसी को पहले भोजन देगा, भोग लगाएगा। अरे भोग लगवाओ अपने दादा से, भोग लगवाओ अपने दादी से, भोग लगवाओ अपने नाना से, भोग लगवाओ अपने नानी से, भोग लगवाओ अपने मम्मी से, अब भोग लगवाओ अपने पप्पा से कि पप्पा जी भोग लगाइए कि पूरा घर के लोग भोजन करें। मरलहवा से भोग लगाते हैं, अब बदनाम है कबीरपंथी, सब बदनाम करेगा कबीरपंथी के, ई कबीरहा से किसी को मानने के लिए तैयार। अभी हम खगड़िया जिला में कार्यक्रम में गए, सहरसा जिला में पतरघट ब्लॉक में, वहां पर एक आदमी का कुटमैती है, खगड़िया जिला हीरा टोल गांव का नाम है, खगड़िया से दक्षिण और पश्चिम उस हाई स्कूल का मास्टर है सोनबरसा राज में, सुमित जी की क्या दो, सुमित यादव उसका नाम है, उसी के कुटुंब के हम गए ऊटी नवटोलिया। वो बेचारा प्रवचन सुन के भजन सुन के कह रहा था, साहेब हमारे गांव को तो इस शिव चर्चा वाला सब बर्बाद करके छोड़ दिया, रद्दी के टोकरी में लेके डाल दिया, जे हो एक आध गो सब वैष्णव था ओकरो कंठी तोड़वा के मांस मछली खिला दिया, बर्बाद बर्बाद कर दिया है मेरे गांव को इसी चर्चा वाला सम्मेलन। गांव की सुधार करने चले हैं, इसे गांव का सुधार हो जाएगा। गांव का सुधार करने का मतलब है वाजिब राह दिखाइए, सही मार्ग लोगों को दिखाइए, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, कैसे तुम्हारा मोक्ष और कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी, ये बातों जनता को बताइए, सही सही राय तो दीजिए। सब लोग कमाओ, सुखी जीवन जीना है, मैं देखता हूं ललन है दो दो कुंटल अढ़ाई ढाई कुंटल मोटरसाइकिल पर लाद करके को भी ले जाता है बाजार, परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है, संजय है, विद्यानंद है, मंटू है, अशोक जी हैं, छमरी साहब हैं, या ये गांव के बहुत नौजवान है जिसको मैं देखता हूं इतना मेहनत कर रहा है, इतना बड़ा लड़का एक अशोक का है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, आते ही उसको बोलवाता हूं क्योंकि उसकी बोली हमको बहुत ठीक लगती है,
नाम है उसका रघु। रघु को मैं पूछा, रघु तुम तो गोरी हो? कहा नहीं, मैं दास हूं। दास इतना बड़ा लड़का, मैं गोरी नहीं हूं, मैं दास हूं। दास हम कहा तुम्हारा पप्पा? कहा पप्पा मेरा दास है, मम्मी तो मम्मी भी दास है, और मैं भी दास हूं। इतना बड़ा लड़का अखंड साहब के सामने बोलवा दिए हैं, पूछ लीजिए। ये पूछे हैं कौन जात है जी? तो हम दास है। दास कहा तुम तो गोरी है? नहीं गोरी हम नहीं है, हम दास है। सुधार करना अगर है तो धन कमाने की जरूरी है। धन कमाइए, खेती कीजिए। यहाँ के सारे लोग खेती करते हैं सब्जी के, बहुत अच्छा है। धन कमाइए, खेती कीजिए, धन कमाइए, बिजनेस कीजिए, धन कमाइए, नौकरी कीजिए, धन कमाइए, सिनेमा में जाइए, धन कमाइए, सर्कस में जाइए, धन कमाइए, गीत गाइए बढ़िया से, धन कमाइए। बिना धन कमाए जीवन में कोई दुनिया का लोग आपको सुख नहीं दे पाएगा। ये कोरा कागज पर लिख लीजिए। इसके लिए श्रम की आवश्यकता है। भर दिन ताश खेलिएगा तो शाम में जाइएगा घर तो पत्नी भात दाल सब्जी और घी या दही चीनी नहीं देगी, तब झाड़ू लगेगा आपको। कमा के आइएगा भर दिन तो पत्नी आपके लिए भात दाल सब्जी घी और दही और चीनी रखेगी कि मेरा पति भर दिन खेत में से या नौकरी करके या बिजनेस करके आया है, इसको मैं बढ़िया से खिलाऊं। कबीर पक्षपातपूर्ण बात नहीं बोलते हैं, कबीर बिल्कुल एकदम सत्य बोलते हैं। आज तक ही पंडित लोग इन महिला सबको क्या सिखाया? जितिया कीजिए, तीज कीजिए, करवा चौथ कीजिए, कर्मा धर्मा कीजिए, माता दुर्गा का पूजा कीजिए, धन हो जाएगा। ई कहा कि ई कीजिएगा तो धन होगा, कभी नहीं कहा कि मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, कोई दारू मत पीजिए, कोई तारी मत पीजिए, कोई गांजा भांग मत पीजिए, कोई बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, घर उजड़ जाएगा। ऐसा नसीहत दिया पंडित? किसी को कहा आज तक? नहीं कहा। ये कहेंगे संत महात्मा। आपके जीवन की मंगल कामना करेंगे संत महात्मा आकर के। आपका घर पक्का का बन जाए, साधु संत बहुत खुश है। आपका बेटा इंजीनियर हो जाए, आपका बेटा डॉक्टर हो जाए, साधु संत बहुत खुश है। लेकिन पंडित खुश नहीं होगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तो उसका देह जल जाएगा कि गोरी का बेटा कैसे डॉक्टर बन गया, ये तो ब्राह्मण का बेटा बनना चाहिए। जहां आपकी पूजा हो रही है वो आपसे खुश नहीं रहेगा। अगर आपका बेटा डॉक्टर हो गया तब, आपका बेटा प्रोफेसर हो गया तब। कभी नहीं ब्राह्मण कहा माता लोगों बहनों से कि सास के सेवा करे के चाही, ससुर के सेवा करे के चाही, दुल्हा के आज्ञाकारी रहे के चाही। कभी नसीहत नहीं दिया। केवल अपना आमदनी के बाद जिसे हमर घर भर जाए श्राद्ध करवाएगा। आ कोई मर गया, औरत मर गई चाहे मर्द, तो उसके लिए पलंग दान करवाएगा, तो सब तकिया रजाई लेगा उसके सोने के लिए, साया साड़ी ब्लाउज लेगा, कुर्ता धोती गंजी गमछा लेगा, छिपा लोटा गिलास कटोरा लेगा, आ चावल चिवड़ा पूरी केरा चिवड़ा दही लेगा। जिंदगी भर झूठ का रोजगार ये जजमान किया और पंडित किया दोनों मिलकर। साधु संत ऐसा नहीं करते। साधु संत आपको वाजिब रास्ता चुन करके अपना अनुभव से आपको रास्ता दिखाते हैं। सब आदमी कमाओ, पूरे गरैया के नौजवान काम करो, सब बिजनेस करो, सब घर बनाओ पक्का के, सबका बेटा बेटी पढ़े,
सब सुखी जीवन जिए, साधु संत खुश है उसके लिए, बहुत अच्छा है, हम दुखी नहीं। 600 रुपया में 1 किलो मांस लाते हो खरीद करके, आ 1 किलो दूध का दाम है मात्र 40 रुपया, कैसे जीवन सुखी बनेगा? वो मांस खाने से, मछली खाने से, और दारू कितना महंगा है, दारू पीने से जीवन सुखी बनेगा? बाप दादा का खरीदा हुआ जमीन बिक जाएगा, बाप दादा कितने का जमीन बिक चुका है इस फेर में, सुख होगा श्रम करने के बाद। आ केवल श्रम से सुख नहीं होगा, धन तो हो गया, श्रम किए धन हो गया, अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो भी सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन हो गया, बेटा चढ़ को इंजीनियर डॉक्टर हो गया, दरवाजे पर स्कॉर्पियो बोलोरो खड़ी है, बैंक भरा हुआ है रुपया से, आ पुतोह कहीं सास से झगड़ा करके रेल में कट गई, चाहे कोसी में जाके डूब के मर गई, चाहे सासे डूब के मर गई, चाहे बेटे मर गया क्रोध से, तब तो पुलिस आएगी और डांड में रस्सा लगा के और जेल में बंद करेगा, बेल होगा नहीं। प्रेम के अभाव में श्रम तो चाहिए ही सुखी जीवन जीने के लिए, और उसके साथ साथ परिवार में प्रेम चाहिए। केवल धन से भी सुख नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ प्रेम चाहिए, तब जाके जीवन में सुख होगा। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो आया हुआ धन बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेम की भी जरूरी है।